साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले सबसे बड़े संकट में भारत ने दिखाई क्षमता, 100 साल बाद खुद पर गर्व करेगी मानवता। मेघालय में ममता बनर्जी की टीएमसी पर बरसे अमित शाह, कहा मुकुल संगमा उस पार्टी में चले गए थे जो कि टोलाबाजी थी। शिंदे की हुई शिवसेना चुनाव, आयोग बुला उद्धव गुट ने चुनाव, बगैर लोगों को नियुक्त किया, यह असंवैधानिक है। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, खुदा का हवाला देने वाले भाषण के लिए चल रहे मुकदमे पर फिलहाल रोक लगाई गई। हरियाणा में हुई हत्या पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदू राज को मानने वालों ने जुनैद और नासिर को मारा। केरल के सीएम विजय ने की जमायत इस्लामी की आलोचना, बोले जमायत इस्लामी का यह रुख ही कि संघ परिवार के साथ चर्चा की जरूरत है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार ने दी ठाकरे को सलाह, बोले इंदिरा ने भी ऐसा ही किया था, स्थिति का सामना। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली 100 दिन की मनरेगा योजना के लिए भी पैसे उपलब्ध नहीं करा रही है केंद्र सरकार। भाजपा सांसदों को अध्यक्ष जेपी नड्डा की हिदायत, बोली धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी से बचें। उद्धव ठाकरे का चुनाव आयोग पर वार, बोले अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई फैसला न दे चुनाव आयोग। कर्नाटक में भाजपा सरकार का बड़ा दावा, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, बोले रामनगर में होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। ठाकरे के हाथ से फिसले तीर कमान, संजय राउत, बोले ये लोकतंत्र की हत्या, सब गुलाम बनकर बैठे। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोला कहा कांग्रेस सिर्फ बोलती है तृणमूल करती है। पंजाब आप विधायक को विजिलेंस की क्लीन चिट, एमएलए कोर्ट फत्ता, बोले ऋषम मेरा पीए नहीं, कोर्ट ने भेजा पुलिस रिमांड पर। अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों में मुठभेड़, बचने के लिए कार भगाई, टक्कर होने के बाद छोड़कर भागे, पीछा कर दबोचे गए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महादेव का रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना की। रोजगार का लेकर सीएम योगी का बयान, बोले डिफेंस कॉरिडोर में बनेगी तोपें, मिलेगा रोजगार। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा ऐसी स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती। बरेली में मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को दिया मंत्र, कहा वंचित को गले लगाएं, समाज में आगे लाएं।
अब वोट भी नहीं दे पाएंगे। अब्दुल्ला आजम यूपी विधानसभा से आयुक्त ठहराए जाने के बाद रामपुर मतदाता सूची से हटाना। भाकियों की पंचायत में उठा अवैध खनन का मुद्दा, बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन करेंगे किसान। बाबा विश्वनाथ में 4 किलोमीटर दायरे में भक्तों की कतारें, बम बम बोली से गूंजा लोधेश्वर मंदिर, पूरा महादेव में कवाड़ियों की भीड़ दिखी। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा शिवालय, महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की आस्था, पंचभक्त से भगवान शिव का रुद्राभिषेक। ब्रज में 2 दिन मनाया जाएगा महाशिवरात्रि का पर्व, मथुरा में शनिवार को, वृंदावन में रविवार को भक्त रखेंगे व्रत। बागपत में पूरा महादेव में लाखों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक, आईजी ने देखी सुरक्षा व्यवस्था। गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर में आधी रात से जलाभिषेक शुरू, गायों से खुद टपकता था दूध, इसलिए नाम पड़ा दूधेश्वर। शिवालयों में उमड़ा आस्था का समुद्र, बम्बम बोली की गूंज, आनंदेश्वर मंदिर में 1 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार लगी। महाशिवरात्रि पर रायबरेली में उमड़ा जन सैलाब, भगवान भोलेनाथ का शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। बाराबंकी के महादेवा में 4 लाख भक्तों ने किया जलाभिषेक, रात 12 बजे से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का हुजूम, प्रयागराज के इसी मंदिर में प्रभु श्री राम ने किया था जलाभिषेक। गाजियाबाद में कार में मिला बिजनेसमैन का शव, ड्राइविंग सीट पर थी लाश, मुंह से निकल रहे थे चार। हरदोई में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से नहर में गिरी गाड़ी, दूल्हे के बहनोई सहित 2 की मौत, 6 लोग घायल। गाजियाबाद में अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, 2 साल पहले हुई थी शादी, पति ने ससुराल पहुंचकर की वारदात। बिजनौर में गुलदार ने किशोरी पर किया हमला, मौत, मां के साथ मंदिर जा रही थी किशोरी, 1 सप्ताह में दूसरा हमला हुआ है। शेवर में बाइक की टक्कर से कांवड़ में हुई खंडित हंगामा, आक्रोशित कांवड़ियों ने लगाया जाम, पुलिस पर लगा आरोप। देवरिया में जिला बार एसोसिएशन चुनाव, 1 मार्च को अध्यक्ष पद के लिए 6 तो सचिव के लिए 4 पर्चा दाखिल। बिजनौर में सड़क हादसा, पिकअप ने स्कूटी में मारी टक्कर, बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर। मुरादाबाद में अस्पताल की 3री मंजिल से कूदी महिला, उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती थी महिला। मेरठ में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान में कुंबल कर नकदी सहित लाखों की चोरी, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पीलीभीत में ससुर ने बहू को कुल्हाड़ी से काट डाला, पति की मौत के बाद 3 बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी महिला।
कार से पिल्ला रौंदने वाले ड्राइवर समेत दो पर एफआईआर, सुल्तानपुर सांसद के बोलने पर हुई कार्रवाई। उन्नाव में डांसर से गैंगरेप के तीन आरोपी गिरफ्तार, जन्मदिन पार्टी में कानपुर की डांसर को बुलाया था। मुख्य सचिव पहुंचे मथुरा, भगवान बांके बिहारी के दर्शन के, मंदिर के आसपास के क्षेत्र का किया निरीक्षण। नाबालिग से दुराचार का मामला में मथुरा कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, आयुर्वेदिक दवा बनाने का रोजगार के नाम पर करोड़ों लोगों को कंपनी लेकर भागी। उत्तराखंड के सीएम धामी का बड़ा फैसला, बोले कूड़े को कमाई का जरिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। कांग्रेस के अभय दुबे ने मोदी सरकार को घेरा, अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाए, जेपीसी बनाने से क्यों डर रहे हैं। मुंबई से विदा होकर देहरादून पहुंचे कोश्यारी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज के लिए त्रिवेंद्र रावत ने मांगी माफी, मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड के हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई पावन की डुबकी, भगवान शिव की ससुराल में उमड़ी भीड़। रात 12 बजे से बोले के जयकारों से गूंजे उत्तराखंड के शिवालय, लगी कतारें बनी पावन पल के साक्षी। खत्म हुआ बाबा के भक्तों का इंतजार, आज घोषित होगी केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 जून में बटा ऋषिकेश का नीलकंठ मेला क्षेत्र। नीलकंठ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने क्या लिया जायजा, कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। यूके SSSC भर्ती निरस्त करने के मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल न करने पर हाईकोर्ट नाराज, समय देने से इनकार। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती दोबारा कराने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, यूके SSSC को जवाब पेश करने के निर्देश। बारातियों ने शादी के रंग में डाला भंग, मारपीट और पथराव के बाद दुल्हन की हुई विदाई। रोडवेज कर्मचारियों की बढ़ सकती है पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत विभाग ने दिया सशर्त विकल्प। उत्तराखंड में पवार के समझाने पर युवाओं का धरना स्थगित, अब निर्णायक आंदोलन की तैयारी। उत्तराखंड हाई कोर्ट के तल्ख टिप्पणी, सरकार से पूछा प्रतियोगी, परीक्षाओं में क्यों रहे बार बार खबरें। अमेरिका के मिसिसिपी में फायरिंग, 6 की मौत, आरोपी ने पूर्व पत्नी और उसके मंगेतर को गोली मारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पाकिस्तान सरकार को इमरान खान की चेतावनी, बोले 22 फरवरी से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। सूरी नाम की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, संसद पर बोला धावा, आगजनी और कई दुकानों में लूटपाट। अमेरिका का दावा, पूर्वोत्तर सीरिया हमले में आईएस कमांडर हमजा अल हुमसी का मारा गया, 4 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू सिख समुदाय को मिली शमशान भूमि, मिलेगी करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन। कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला, 5 दहशतगर्द मारे गए, पुलिस अधिकारी और रेंजर समेत 4 की मौत, मुठभेड़ खत्म। तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या 44,000 हुई, 260 घंटों के बाद मलबे से निकाले गए युवक ने पूछा, क्या मेरा परिवार जिंदा है। बाइडेन की चेतावनी, चीनी बलून आया फिर तो शूट करेंगे, कहा चीन से कोल्ड वॉर नहीं चाहते लेकिन अफसोस नहीं। इंजन बंद करने से हुआ था नेपाल विमान हादसा, जांच में खुलासा, पायलट ने गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुस रहे भारतीय, 2022 में अमेरिकी पुलिस ने 60,000 को पकड़ा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्र का सुझाव नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट बोला पारदर्शिता चाहते हैं। भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद, अब केवल एम्प्लॉयज बचे, सिर्फ बेंगलुरु में होगा काम। एयर इंडिया को करनी पड़ेगी बड़ी हायरिंग, एयरलाइन को 470 विमानों के लिए रखने होंगे 6,500 से ज्यादा पायलट। गूगल इंडिया में हुई छठी कंपनी ने 453 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला, कंट्री हेड ने मेल कर टर्मिनेशन की जानकारी दी है। एफसीआई के लिए गेहूं की कीमत में कटौती, केंद्र ने कहा नई दर 31 मार्च तक लागू, खुदरा बाजार में घट सकते हैं दाम। डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं में भारी गिरावट, रुपए पर कम असर, ब्याज दरें और महंगाई बढ़ने से दबाव। चीन के हाई प्रोफाइल बैंकर लापता कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी, नहीं हो पा रहा है संपर्क। सीलबंद लिफाफे में सरकार के सुझाव मानने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कमेटी के गठन पर फैसला सुरक्षित रखा। तमिलनाडु के 7 ठिकानों पर चल रही छापेमारी, तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में आयकर विभाग की दबिश। आरबीआई ने 2023 को बताया चुनौतीपूर्ण साल, वैश्विक विकास धीमा रहने का जताया अनुमान। आरसीबी की कप्तान बनी स्मृति मंधाना, फॉर्ब डुप्लेसिस ने किया अनाउंसमेंट, डब्ल्यूपीएल प्लेयर्स ऑक्शन में 3.4 करोड़ में बिकी थी। क्रिकेटर संदीप लामिछाने के खिलाफ फील्ड पर विरोध, स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से किया इनकार।
दिल्ली में दूसरे टेस्ट के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, कंक्शन की वजह से डेविड वॉर्नर बाकी मैच से बाहर। केएल राहुल ने उस्मान ख्वाजा का एक हाथ से पकड़ा बेहतरीन कैच, लगातार दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के चक्कर में हुए आउट। विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को नसीब में हुई पहली जीत, हेली मैथ्यूज के दम पर आयरलैंड को हराया। महिला टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत का इंग्लैंड से होगा मुकाबला, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। दिल्ली टेस्ट में 263 रन पर सिमटी कंगारू की पहली पारी, ख्वाजा हैंसोकॉम के अर्धशतक, समी को सबसे ज्यादा 4 विकेट। सेलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा, बीसीसीआई के अधिकारी नाराज थे, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सिलेक्शन मीटिंग से मना कर दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का शेड्यूल जारी, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के बीच पहला मैच 31 मार्च से खेला जाएगा टूर्नामेंट। रविंद्र जडेजा ने उस्मान ख्वाजा का विकेट लेकर रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले 8वें भारतीय बने। सोनू सूद ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, 49 की उम्र में दिए फिटनेस गोल्स, वीडियो देख फैंस ने बताया रियल हीरो। शादी के बाद पहली बार दिखे हार्दिक, नताशा बेटे के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, उदयपुर में की डेस्टिनेशन वेडिंग। स्मृति ईरानी की बेटी शनैल के रिसेप्शन में शामिल हुए शाहरुख खान, रवि किशन समेत कई सेलेब्स। मिर्जापुर फेम शहनवाज प्रधान का निधन, एक कार्यक्रम के दौरान आया हार्ट अटैक, सदमे में है सिनेमा जगत के लोग। कंगना रनौत ने दी स्वरा भास्कर को शादी की बधाई, बोली शादी दिल से होनी चाहिए, बाकी औपचारिकता है। शाहिद कपूर ने फैंस को दिया सरप्राइज, थिएटर में चल रही थी जब भी वेट की स्क्रीनिंग, अचानक से मारी एंट्री। शहजादा की रिलीज होते ही सिद्धि विनायक पहुंचे कार्तिक आर्यन, बप्पा का लिया आशीर्वाद। उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत के लिए मांगी दुआ, पेप्रोजी ने क्रिकेटर की हेल्थ को लेकर बोली वो हमारे देश के लिए कीमती है। शादी के बाद जमकर नाची स्वरा भास्कर, पति फहाद का हाथ थामे कोर्ट के बाहर, ढोल पर किया डांस। दी फैमिली मैन 3 पर काम चालू है लेकिन अब तक मुझे संपर्क नहीं किया गया, मनोज वाजपेयी ने कहा। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।